बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज बहुत दिनों के बाद मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के लिए वीडियो बना दूं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसको हम जरा ठीक है और सिंपल इंटरेस्ट भी हम देखते हैं। अच्छा, अगर बात की जाए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की, सपोज भाई आपके पास ना ये हो आप, ठीक है, देखो कितने प्यारे आप बने हो। अच्छा, आपके पास 10,000 रुपये है, लाख रुपया लगा लो, थोड़े से ज़्यादा आप लोग अमीर लोग हो, 1,00,000 रुपये आपके पास है। अच्छा, आप बैंक में डिपॉजिट करवाने चले जाते हो, बैंक आपको कहता है कि भाई मैं आपको 10% सालाना जो है 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो आप उस पर 10% यानी कि बैंक आपको 10% देगा, तो आपकी अमाउंट जो हो जाएगी वो बन जाएगी 1 साल के बाद 1,10,000, ठीक है। मतलब सिंपल बैंक आपको कहेगा 1 साल बाद 10% दूंगा तो आपको 10% मिल जाएगा। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, सॉरी पहले एक बार इसको फिर करते हैं। अच्छा, ये था पहले साल का, दूसरे साल में देखें तो फिर आपको 10,000 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, आप लोग इंटेलिजेंट हो, तो फिर आपको 10,000 मिल जाएगा, तो भाई आपकी अमाउंट टोटल कितनी हो जाएगी, 1,20,000 आफ्टर 2 ईयर, 1,20,000, ठीक है। 2 साल के बाद सर आपकी अमाउंट हो गई 1,20,000। अगर बात की जाए कंपाउंड इंटरेस्ट की, सॉरी ये है कंपाउंड इंटरेस्ट में आप 1,00,000 रुपये बैंक में जमा करवाते हो, बैंक कहते हैं कि मैं आपको भाई 10% दूंगा, बिल्कुल वही सिनेरियो है कि आपको 10,000 मिलेगा, 1 ईयर के बाद आपका 1,10,000 हो गया। अब यहाँ पे जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा, अब आपको समझ आएगी। इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपको जो 10% नेक्स्ट ईयर मिलेगा ना, वो जो भाई आपकी ये जो अमाउंट है ना इस पर कैलकुलेट होगा, जो आपकी अमाउंट 1 साल के बाद आती है ना 1,10,000, इस पर आपको मिलेगा जी 10%, तो भाई कितना हो जाएगा, 10,000 नहीं आपकी बार होगा, आपकी बार हो जाएगा आपका 11,000 में आप 11,000 ऐड कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा 1,21,000। अब मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में फर्क क्या हुआ। सर इसमें ये जो है आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है और ये आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट। जब आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए ज्यादा अच्छा है, जब आप बैंक से लोन वगैरह लेते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल भी खर्च आप लगा सकते हो। तो गाइस ये थी हमारी एक सिंपल सी वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें मसला आ रहा होता है लेकिन अब नहीं आएगा मेरे ख्याल से। चले आज की वीडियो को करते हैं ख़त्म, जिसमें हमने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट देखा। नेक्स्ट वीडियोज़ में बहुत सारा कुछ आप लोगों के लिए पढ़ा, इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स और अकाउंटिंग के हवाले से। तब तक दीजिए इजाज़त।